अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तो आज मैं बनाने वाली हूँ मुस्लिम स्टाइल चिकन बिरयानी जिसे आमतौर पर शादी पार्टी या फिर दावत में बनाया जाता है बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है आपको तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो मुस्लिम स्टाइल चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा के जी चिकन लिया है चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने अब इसे हम मैरिनेट करेंगे चिकन को यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे साथ ही साथ में इसमें ऐड करेंगे नींबू का जूस तो आधा नींबू का जूस हम यहाँ पे निचोड़ करके ऐड करेंगे या फिर एक बड़े चम्मच इसमें नींबू का जूस ऐड कर लीजिए अगर ये बीज जो है वो चला जाए तो इसे आप निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर ये बीज जो है उसे हम निकाल लेते हैं अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी तो यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे साथ ही साथ तो में गर्म मसाला एक चम्मच ऐड करेंगे भर करके और इसी के साथ में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे एक चम्मच और साथ में यहाँ पे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच और इसके बाद ऐड करेंगे खड़े मसाले तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी इलायची एक चक्र फूल लिया है साथ में मैंने तीन से चार लौंग लिए हैं थोड़े से काली मिर्च छोटी इलायची जावित्री और दो तेज पत्ता लिया है तो बेसिक से थोड़े से खड़े मसाले ले लिए मैंने साथ में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है और अब इसमें हम दही ऐड करेंगे तो दो से तीन बड़े चम्मच इसमें हम दही ऐड कर देंगे और इसी के साथ में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ और अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज तो देखिए मैंने यहाँ पे दो से तीन बड़े साइज के प्याज को फ्राई कर लिया है तो आधे प्याज को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा हम रख लेंगे और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बहुत से लोगों का कमेंट होता है कि उसके बिरयानी में जो मसाले हैं वो कम पड़ जाते हैं तो अगर आप आधा के चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप तीन ग्राम प्याज यूज़ करें इससे मसाले जो है परफेक्ट होगी अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो, तो आप चार ग्राम भी प्याज यूज़ कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया इन्हें अब इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं यानी कि आधे घंटे का रेस्ट देंगे तब तक हम चावल उबाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए चावल के लिए खुले वाले बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने इसमें ऐड कर देंगे हम घी तो यहाँ एक बड़े चम्मच घी ऐड कर दिया है आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन घी से चावल जो है बहुत अच्छे सॉफ्ट और नरम बनते हैं साथ में यहाँ पे ये नींबू का छिलका जो मैरिनेशन में यूज़ किया था उसे ऐड कर देंगे तो अब इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे दो तेज पत्ता लिया है एक चक्र फूल लिया है जावित्री दालचीनी का टुकड़ा छोटी इलायची बड़ी इलायची लौंग और थोड़े से काली मिर्च लिए हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे नमक यहाँ पे इतना ऐड करें कि चावल में नमक जो है वो अच्छा लगे और अब यहाँ पे ऐड करेंगे चावल तो चावल देखिए मैंने यहाँ पे दो कप लिया है चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर के लिया है बिरयानी के लिए चावल जब भी बनाए तो उसे आधे घंटे से एक घंटे के लिए आप भिगो करके ही यूज़ करें और सभी चावल को डालने के बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा मिला देंगे चावल को हमें 6 से 7 मिनट के लिए कुक करना है यानी कि 72 टू एटी परसेंट हमें चावल को पकाना है बाकी के ये दम में पकेगी तो लगभग 6 से 7 मिनट यहाँ पे हो चुका है चावल को एक बार चेक कर लेती हूँ मैं तो ये देख सकते हैं आप ये चावल जो है वो आराम से टूट रहे हैं लेकिन हल्के से ये पके नहीं है अभी भी तो चावल जो है वो बाकी के दम में पकेगी तो ये चावल हमारा रेडी हो गया है गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम छान लेंगे और इधर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था और अब इसमें ऐड कर देंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन चिकन को मैरिनेट हुआ लगभग लग आधे घंटे हो चुके हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं यहाँ पे ये चिकन ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ यहाँ पर आधा कप से थोड़ा कम मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम प्रेशर कुकर को मतलब ढक करके पकाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि ये नीचे से लगे नहीं और प्रेशर कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम में दो विसिल लगा लेंगे तो यहाँ पे दो विसिल लग चुका है इसका सारा प्रेशर जो है वो निकल गया है तो यहाँ पर चिकन को हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए बहुत ही शानदार हमारी चिकन जो है पक कर रेडी हुआ है अगर आप खुले बर्तन में इसे बना रहे हैं तो आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाएं या फिर तब तक पकाए जब तक ये चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए तो चिकन हमारा रेडी है तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम फ्राई किया हुआ प्याज तो खूब सारा इसमें मैंने फ़्राई किया हुआ प्याज ऐड कर दिया साथ में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ और ये चावल मैंने छान लिया है इसे ऐड कर देंगे चावल आप देखिए कितना परफेक्ट खिला खिला बना हुआ है तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बिरयानी आपकी परफेक्ट बनेगी और इसे अच्छे से फैला देंगे यहाँ पर फैला दिया मैंने चावल को अब यहाँ पर फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे तो खूब सारा इसमें फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे साथ में हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ और इसे डालने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे हम केवड़ा वाटर तो यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर लिया इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में अगर हो तो आप जरूर डालें नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इसे डालने के बाद अब यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इससे कलर अच्छा आता है ये बिल्कुल ऑप्शनल है और यहाँ पे चावल वाला ही पानी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि नीचे से बिरयानी जो है वो लगे नहीं तो अब प्रेशर कुकर का लीड बंद कर देंगे और एक विसिल आने से पहले ही गैस को बंद कर देंगे और इसका सारा प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद इसे हम खोलेंगे यहाँ पे इसका सारा प्रेशर निकल गया है और अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है बिरयानी को जब भी आप मिक्स करें ना तो इसे साइड से ही उठाएं ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं है क्योंकि चावल गर्म होती है तो ये टूट भी सकती है चावल तो ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म, गर्म सर्व करेंगे अपने मनपसंद रायते के साथ इसे सर्व करें बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है तो एक बार इसे आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ओके फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़